फिर से एक नया वीडियो में लेके आ गया आपका साथ। और आज जो मेरे पास देख रहे हैं, ये सैमसंग का 13 बटन का पीसीबी है, न्यू मॉडल का है ये वाला। तो आज हम लोग इसमें चेक करेंगे, इसका चेकिंग प्रोसेस क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या चेक करने पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपको इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप चेक कर पाए कि अगर इस पीसीबी आपको मिले तो ये ख़राब है या अच्छा है। तो हम लोग को चेक करने पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपको चाहिए पूरा उसको वायरिंग चाहिए होगा आपको। मेरे पास है इसका पूरा वायरिंग, तो मैं आज वायरिंग से आपको दिखा दूंगा कि इसमें क्या क्या है और इसमें क्या क्या आपको चेक करने पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं पहले बता दूँ तो इसमें क्या क्या है। दोस्तों, ये वाला आपका सेंसर है, सेंसर कनेक्शन है, और ये वाला आपका है आपका जो आपका अनबैलेंस स्विच होता है। अगर मशीन अनबैलेंस होता है तो ये डिसकनेक्ट होता है, इसमें एक स्विच होता है तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। और ये जो दोनों जैक देख रहे हैं, ये वाला आपका डोर स्विच का जैक है। अभी जो इस मॉडल में क्या है ना, मैग्नेटिक स्विच दिया हुआ है, जो डोर बंद करेगा तो एक बार शॉर्ट हो जाता है दोनों स्विच। तो अब मैंने आपको शॉर्ट करके और अनशॉर्ट करके भी दिखा दूंगा इसमें क्या है कि नहीं है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका इनलेट वाल्व का लाइन है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें हमको जब भी हम लोग मशीन को चालू करेंगे, प्रोग्रामिंग सेट करेंगे, तब इसमें 220 लाइन इसमें आना चाहिए। अगर 220 लाइन इसमें आ रहा तभी सही है, नहीं तो ये ख़राब है। तो हम लोग जो इसको देखिए, मेन पावर जो है, ये वाला आपका मेन पावर का जैक है। मैंने इसमें तार जोड़ दिया पूरा जैक का संग, और इसका जो मेन पावर घुस रहा आपका ये वाला दो तार में घुस रहा आपका ब्लैक एंड वाइट में, ये तार घुस रहा। तो और ये देखिए दोस्तों, ये तार जब इसमें घुस दोनों ब्लैक एंड वाइट में घुस रहा, तो इसमें क्या, इसमें सिर्फ घुस रहा। और इसका जो ब्लैक है, ब्लैक सिर्फ पीसीबी के लिए है, और ये जो वाइट येलो शॉर्ट होके निकल गया पूरा पीसीबी। जैसे इसको रन करेंगे, जैसे पावर आएगा तो पहले इसको शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करके सब में न्यूट्रल भेज देगा। न्यूट्रल भेजने के बाद जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तब क्या करेंगे, ये ब्लैक जो है, इस ब्लैक को सब जगह सर्कुल करेगा। अगर ब्लैक अगर इनलेट वाल्व में देगा तो इनलेट वाल्व चालू हो जाएगा। ब्लैक लाइन अगर आपका ड्रेन मोटर में देगा तो ड्रेन मोटर आपका चालू हो जाएगा। ब्लैक जो आपका एक मोटर में देगा तो इस साइड आपका घूमने चालू होगा, इस साइड देगा तो उल्टा साइड घूमने चालू होगा। तो ये ब्लैक को पूरा पीसीबी कंट्रोल करेगा, मतलब एक लाइन को है डायरेक्ट पूरा सब में भेज दे रहा, और एक लाइन सबको दे के सिर्फ ये कंट्रोल कर रहा, और कुछ इसमें है नहीं दोस्तों। तो चलो मैं इसमें लाइन देता हूँ, लाइन दे के मैं इसको चालू करता हूँ। चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है कि नहीं है और कैसे कैसे चेक करने पड़ेगा। तो हमको क्या करने पड़ेगा, जो आपका ब्लैक प्रो है, ब्लैक मीटर का जो ब्लैक प्रो है, हमको न्यूट्रल में रख देना है। इसका ईवोलो इसका न्यूट्रल है, तो हम लोग इसमें रख दिए। अभी हम लोग को जो है चेक करने पड़ेगा, देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऑन करके ऑफ किया था, मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो अभी जो है हम लोग को वोल्टेज, अभी इस साइड न्यूट्रल नहीं छोड़ा होगा इसलिए हम लोग को नहीं मिलेगा। इधर नज़दीक रखता हूँ जैसे आपको देखने में समझ में अच्छा से। मैं अभी उसको मैं अगर चेक करूँ तो देखिए, अभी तक न्यूट्रल जो है इसमें छोड़ा नहीं है, नहीं न्यूट्रल जो है आपको डायरेक्ट छोड़ दिया शायद, देखते हैं ऑन करके। ऑन कर दिया, अभी देखिए जैसे ऑन किया तो उसका न्यूट्रल छोड़ा है, अगर ऑफ करेंगे तो न्यूट्रल जो है आपका ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या करने पड़ेगा, इसका आपको शायद कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, इसको आप अच्छा से देखिएगा मीटर को भी, क्योंकि इसका जो है मीटर से आपको चेक करके मैं दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों, हम लोग को भी चेक क्या करना है, हम लोग को चेक करना है इसमें, हम देखेंगे कि इनलेट वाल्व में लाइन छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर पहले वाटर सिलेक्ट करेंगे। वाटर सिलेक्ट करके जैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद ही इसको वाटर छोड़ना चाहिए। वाटर के पीने ये वाला दोस्तों ब्लू रंग का, तो हम लोग इधर से नहीं, हम लोग इधर से चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, 220 पर छोड़ रहा। तो अभी हम लोग ये चेक करना पड़ेगा कि 220 छोड़ रहा है इसमें, देखिए इसमें 220 है। अभी हम लोग सेंसर में प्रेशर देंगे, प्रेशर देने के बाद देखेंगे इसमें 220 निकलता है कि नहीं निकल, मतलब 220 छोड़ता है कि नहीं छोड़ता।
देखिए दोस्तों, हमने इसको प्रेशर इसको भर के रखा है, तो इसलिए आपका देखिए इसमें लाइन लीड वाला को छोड़ दिया है, और डी ई जो आ रहा इसका डोर लॉक का इरर है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे क्या है उसमें, कितना वोल्टेज उसमें आना चाहिए डोर लॉक में, और इसको कैसे करना। डी का मतलब है आपका डोर लॉक। तो देखिए दोस्तों, इसमें वोल्टेज नहीं है, जैसे मैं प्रेशर को छोड़ दूंगा जिससे आपको वोल्टेज जो है ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको डोर लॉक का इरर इसमें आ गया है। तो जैसे हम लोग इसे पुश करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर डोर लॉक जब तक शॉर्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैंने इसको ऑफ़ किया हूँ, मैं आपको डोर लॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे देखो, जैसे मैंने इसको लाइन दिया हूँ, देखिए इसमें 220 आपका शो कर रहा। कभी अगर आपको लगे कि इनलेट वाल्व में पानी नहीं आ रहा, इनलेट वाल्व से पानी नहीं आ रहा है, और वाल्व चेंज किया फिर भी पानी नहीं आ रहा, तो प्लीज़ वोल्टेज को चेक करें। अगर वोल्टेज को चेक करने से देख रहे आप वोल्टेज यहीं पर नहीं आ रहा है, और तार सब कुछ कनेक्शन सही है, तो आपका जो पीसीबी 100% ख़राब है। और पीसीबी इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, मैंने अगले एक मेरे चैनल में एक वीडियो है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो और अब कभी कभी अगर कंटिन्यूस रह देता है, अगर कभी कभी अगर वोल्टेज कंटिन्यू भी रहा, आपने शायद मैंने इसे पुश किया हो, पुश करने से वोल्टेज ड्रॉप हो गया, उस टाइम आपने जब पुश किया तब भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, इसका मतलब आपका जो पीसीबी है वो ख़राब हो चुका है। इसमें ख़राबी का दो ऑप्शन है, या तो आप इसको अगर कंटिन्यूस लाइन दे तो भी ख़राब है, अगर लाइन ना दे तो भी ख़राब है। अच्छा क्या है, अच्छा आपको यही है कि लाइन दे, लेकिन जब सेंसर आपका पानी भर जाए, सेंसर सेंस करता है, उसको लाइन छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसे छोड़ता है फिर भी पानी नहीं आता, तो आपको इनलेट वाल्व ख़राब है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर इसका इनलेट वाल्व भी ख़राब होता है, लेकिन इसका पीसीबी भी मैंने बहुत बार इसका ख़राब हमको मिला। तो आपको इनलेट वाल्व का एरर आ गया, मिल गया आपको। अभी है हम लोग को डोर लॉक का। तो चलिए हम लोग पहले डोर लॉक चेक कर लेते दोस्तों। तो इसका जो डोर लॉक है, उसमें डोर लॉक में प्लस 5 वोल्ट आता है आपका डीसी, तो उसको हम लोग चेक करेंगे आज, क्या प्लस 5 वोल्ट डीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग पहले देखिए, डोर लॉक का जो लाइन है वो ऐसे आपका छोड़ता है, मतलब जैसे मैंने पावर को ऑफ किया हो तो ऐसे ही वो आपका पास डोर लॉक 5 वोल्ट आ जाएगा। डोर लॉक 5 वोल्ट अपना डायरेक्ट रहता है। ये देखिए, मैंने जस्ट इसमें पावर दिया और डोर लॉक आ गया इसमें, तो इसका कोई इशू नहीं है। डोर लॉक का 5 वोल्ट अगर नहीं आ रहा तो ख़राब है, आ रहा तो सही है। मैं डोर लॉक को भी शॉर्ट करूँगा। डोर लॉक को शॉर्ट करने के लिए दो तार हमको लगेगा, मैं डोर लॉक को मैं शॉर्ट करके आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका जो दोनों डोर लॉक है, एक तो और ये वाला एगो, दो इसमें दो डोर लॉक कनेक्शन होता है, और इसमें प्लस 5 वोल्ट ही आता है। अगर कभी डोर लॉक का इरर आ रहा है और आपने डोर लॉक चेंज कर दिया फिर भी इरर आ रहा है, तो चेक करें कि इसमें प्लस 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग अभी इसको फिर से एक बार ऑन करेंगे। ऑन किया हूँ मैंने इसको, और मैंने डीसी में रखा, इसको एसी कर दे रहा हूँ। देखिए अभी कोई भी वोल्टेज इसमें है नहीं, तो मैं इसको फिर से प्रेशर दूंगा, प्रेशर देके देखेंगे इसमें लाइन छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। देखिए हम लोग को पानी, जो जब मशीन में पानी आता है तो इनलेट वाल्व को लाइन छोड़ा, 220 छोड़ा है। मैं भी इसको मुँह से अपना प्रेशर दूंगा, देखूंगा इसमें लाइन छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। देखिए फिर भी डी का इरर आ रहा, शायद कहीं पर कुछ ढीला हो गया शायद कुछ। हाँ, इस साइड जो है थोड़ा जंपर जो है लूज हो गया है, तो मशीन जो है हम लोग का चलने स्टार्ट हो गया। तो अभी जो मोटर का कनेक्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, एल ई लिख आ रहा दोस्तों। इसमें जो एल ई लिख का आ रहा था वो आपका इसका मोटर का इरर है, क्योंकि मोटर हम लोग के पास कनेक्टेड नहीं है। तो आप लोगों को भी इसको स्पिन चेक किया कर रहा था,
तो देखें स्पिन से कुछ आपका मोटर चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि डी रोड आ रहा है, इसमें जम्पर है, तो जम्पर को अच्छा से इसको ठीक करना पड़ेगा इसको। दोस्तों देखिए मैंने इसके स्पिन में सेट किया हो, और इसका जो ड्रेन मोटर का कनेक्शन है इसमें आपका है, तो इसका एक नियम है, स्पिन होने से पहले इसको एक बार छोड़ेगा फिर ले लेगा। ये छोड़ दिया, अभी फिर लिया, देखिए फिर कनेक्शन लिया, अभी स्पिन होना चालू हो जाएगा शायद। तो मुझे चेक करना है इसमें लाइन आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें नहीं, इसमें नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों इसमें 220 आ रहा, मतलब स्पिन में क्या होगा आपका छोड़ेगा, देखिए पकड़ा, स्पिन में छोड़ेगा पड़ेगा। तो हमको देखना है इसमें वॉश में एली का क्यू ईरर आ रहा है, तब हम लोग स्पिन सही है, सब कुछ सही है, तो हम लोग को भी देखना पड़ेगा इसमें एली का ईरर क्यों आ रहा। ओ ई का मतलब है ओवरलोड, मतलब ओवर पानी हो गया, मतलब ओ ई का मतलब है आपका वो, मतलब मैंने फूक देते वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें डाल दिए थे, तो इसका लिए ही ओवर लीक का कोर्स आ गया, या येला आया मेरे पास वो इनलेट वाल्व पे, जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि ये बंद हो गया। ओके तो इसको मैं लगा दूँ, चलो बड़ा ही इसका छोटा है मेरे पास, इसको थोड़ा लगा दो। दोस्तों देखिए मैंने इसके इनलेट वाल्व सेट कर दिया है, तो अभी हम जब भी इसको छोड़ेगा तब वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, तो उसमें हम लोग को आसानी होगा थोड़ा सा। इसको ऑन करता हूँ, फिर जब पानी एकदम स्लो में सेट किया हो, ये चालू हो गया है, इसको मालूम मतलब वाइब्रेशन। चालू हो गया मतलब अभी वॉश चलना चाहिए इसका। देखिए वॉश हो रहा, एक साइड इस साइड दे रहा है, एक साइड दूसरी साइड दे देगा, मतलब ये जो लाइन है, एक बार मोटर इस साइड को देगा तो एंटी क्लॉक घूमेगा, इस साइड देगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम एक साइड का ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। देखिए लाइन दिया फिर छोड़ दिया, तो ऐसे ही करके चेक करना है। तो दोस्तों और इसका एली का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एली का मतलब क्या है मैं आपको दो मिनट दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एली हीरो का मतलब होता है आपका वाटर लीकेज, मेरा नोटबुक में लिखा था, मेरे को याद नहीं था, तो मैं देख के आपको बता रहा हूँ। एली का मतलब होता है आपका वाटर लीकेज, अगर वो वॉश करते करते कभी वाटर लीकेज थम से कम जाए, मतलब वाटर लेवल कम जाए, जैसे मैंने इसमें प्रेशर दिया कम बेसी हुआ, तो एली हीरो इसमें आया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और आपको मैंने दिखा दिया क्या क्या वोल्टेज चेक करना है आपको, तो अपने का जो है ड्रेनेज जो वोल्टेज है, इसमें आपका तीन तार है, ये वाला आपका जो है आपका ड्रेन बल्ब को खुलता है इससे, इसमें आपका जो तीन तार है, देखिए इसका जो आपको ड्रेन बल्ब को खुलता है, ये आपका मोटर का है, और ये जो आपका ग्राउंड है, तो इसमें पीसीबी में कहाँ है, ये जो ब्लैक का तार है देखिए दोस्तों यहीं पर रखा है, ये वाला आपका ब्लैक जो वायर आता है, ये आपका जो है पीसीबी से जो निकला है, अच्छा से देखिए दोस्तों इनलेट वाल्व कनेक्शन ये वाला है,
और ड्रेन मोटर कनेक्शन ये वाला है, ये दोनों मोटर का कनेक्शन है, ये आपका पावर जैक है और ये जो आ रहा है आपका ब्लैक एंड वाइट जो आ रहा है पेपर जो लिखा है आपका ब्लैक एंड वाइट का जस्ट छोटा सा जैक यहीं पर है, ये जो देख पा रहे ये जो जैक है ये वाला जो जैक है इससे जो वोल्टेज बनता है ये आता है इस छोटा सा सर्किट में, ये छोटा सा जो सर्किट है इससे आपका डोर लॉक का फंक्शन होता है, तो डोर लॉक का जो फंक्शनलिटी है इससे काम करता है, इससे डीसी बनता है बनके डोर लॉक में आता है। ठीक है दोस्तों, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, बताने के लिए और कुछ रहा भी नहीं है, तो कोई भी इशू हो तो कॉमेंट फ्लोर ज़रूर करें और मेरा इसको थोड़ा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।